लव जस्ट अ कोइंसिडेंस 2011 की रोमांटिक फिल्म है। ये कहानी है डेनिस और ऑस्गुर की, जो दोनों एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, और जहां पर फिल्म की शुरुआत में दिखाया है कि डेनिस जो है एक एक्टर बनना चाहती है और फिल्म्स के लिए ऑडिशन देती रहती है, और ऑस्गुर जो है वो एक फोटोग्राफर है जो उसने उसके डैड से सीखा था, और उसका एक स्टूडियो भी है और वो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है। डेनिस का बॉयफ्रेंड जिसका नाम है बुराग, वो डेनिस को अपने पेरेंट्स से मिलाता है, और बुराग के पेरेंट डेनिस के एक्टर बनने के डिसीशन के लिए राजी नहीं है, और बुराग भी नहीं चाहता कि डेनिस एक एक्टर बने। इसी बात पर उनकी तूतू में होती रहती है और डेनिस अपने रिलेशनशिप के लिए कन्फ्यूज हो जाती है। फिर एक बार बुराग और डेनिस की लड़ाई के बाद वो एक स्टूडियो में फोटोज की एग्जीबिशन देखती है और उसे अपनी बचपन की एक फोटो दिखती है। उसके बाद वो उस स्टूडियो में एंटर करती है। ये स्टूडियो और किसी का नहीं बल्कि ऑस्गुर का होता है, और वो सारे फोटोज उसके डैड ने क्लिक किए थे क्योंकि वो भी एक फोटोग्राफर थे और उनका भी एक स्टूडियो था। और अब ऑस्गुर उसके डैड के मरने के बाद उनके फोटोज को लोगों को दिखाना चाहता है। डेनिस जो है वो ऑस्गुर से बात करना चाहती है, मगर उसी वक्त बुराग वहां पर आ जाता है और वो उसके साथ चली जाती है। बुराग कुछ दिनों के लिए इस्तांबुल से बाहर जा रहा है और डेनिस को बाय बोलता है। फिर डेनिस अपने मॉम को कॉल करके उस फोटो के बारे में पूछती है। फिर नेक्स्ट डे वो उस स्टूडियो में जाती है और वो ऑस्गुर से मिलती है और उस फोटो के बारे में पूछती है, और ऑस्गुर उसे पूछता है क्या उसे उस फोटो के बारे में कुछ भी याद नहीं है, और ये भी कि वो एक दूसरे को बचपन में मिले थे। डेनिस को एक कॉल आता है और वो चली जाती है। फिर आगे जाकर डेनिस को भी अपने बचपन के बारे में याद आता है कि वो ऑस्गुर से बचपन में मिली थी जब वो अपने ग्रैंडपा के घर में रहने के लिए गई थी, और वो बचपन में ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो ऑस्गुर को फिर से मिलती है और वो उसे बताती है कि उसे बचपन का सब याद आ गया है, और वो दोनों मिलकर बचपन की यादें ताज़ा करते हैं कि कैसे वो बचपन में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे और एक दूसरे से अंदर ही अंदर प्यार करते थे। मगर डेनिस के ग्रैंडपा के मरने के बाद डेनिस और ऑस्गुर वो दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं और वो अलग हो गए, और ऑस्गुर उसे अपनी बचपन की फ़ोटो देता है और ये भी पूछता है कि क्यों डेनिस के पास अपनी बचपन की एक भी फ़ोटो नहीं है। मगर डेनिस कुछ भी बताती नहीं, और उसी वक्त डेनिस को बुराग फ़ोन करता है और ऑस्गुर को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। ऑस्गुर को बचपन से ही हार्ट प्रॉब्लम है और वो उसका ऑपरेशन कराने के लिए अनकारा जा रहा है, और डेनिस भी अपने थिएटर्स के लिए अनकारा जाती है। डेनिस और ऑस्गुर दोनों भी अनकारा में ही पैदा हुए थे, और अनकारा जाने के बाद वो फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और वो अपनी फैमिली से भी मिलते हैं, जहां पर डेनिस को अपनी मॉम बुराग से शादी करने के लिए फोर्स करती है, मगर डेनिस उसके लिए श्योर नहीं है। और डेनिस के डैड बचपन से ही डेनिस के एक्टिंग करियर से खुश नहीं थे, और उन्होंने डेनिस की मॉम और उसे छोड़ दिया था क्योंकि उनका बाहर किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, और ये सब डेनिस की मॉम को पता चल गया था। और उसी वक्त डेनिस की मॉम ने उनके सारे फोटोज को जला दिया था, और ऑस्गुर भी अपनी मॉम से मिलता है और वो उसे जल्द ही अपने हार्ट के ऑपरेशन के लिए ट्रीटमेंट कराने के लिए कहती है। और ऑस्गुर बचपन में म्यूजिशियन बनना चाहता था, मगर उसके डैड उसके डिसीशन से खुश नहीं थे, और ऑस्गुर भी सिंगिंग को छोड़ देता है क्योंकि उसे उसके हार्ट को और भी इफेक्ट हो रहा था, और वो अपने डैड की ही तरह एक फोटोग्राफर बनता है। मगर जब ऑस्गुर अनकारा से इस्तांबुल जाता है, वो अपने डैड से नाराज रहता है क्योंकि वो म्यूजिशियन बन नहीं पाया, और उसके डैड भी यही चाहते थे कि वो म्यूजिशियन ना बने। फिर एक दिन डेनिस और ऑस्गुर मिलते हैं और वो फिर से अपनी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, और वो उसी जगह पर वापस जाते हैं और एक साथ रात गुजारते हैं। फिर डेनिस ऑस्गुर से प्यार करने लगती है, और अगले ही दिन बुराग डेनिस को अनकारा में आकर सरप्राइज देता है और उसे प्रपोज भी करता है, मगर डेनिस बुराग से कहती है कि वो उसे प्यार नहीं करती और वो किसी और से प्यार करती है। ऑस्गुर को जो है डॉक्टर जल्द ही एडमिट होने के लिए कहता है। फिर ऑस्गुर अपने डैड के स्टूडियो में जाता है और उसे वहां पर एक डिस्क मिलती है जो उसके डैड ने अपने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था, और उन्होंने कहा था कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे मिस भी करते हैं, और वो कभी भी उसके म्यूजिक करियर को छोड़ने के लिए नहीं कहते थे, मगर वो उसके हेल्थ की वजह से डरते थे, और वो ये भी कहते हैं कि कभी भी अपने प्यार करने वालों को मत छोड़ना। ये सब सुनने के बाद ऑस्गुर इमोशनल हो जाता है
और वो डेनिस से मिलने जाता है, मगर ओज़गुर की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है और वो वही गिर जाता है। तभी बुराग वहां पर आकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और ओज़गुर के फ़ोन में डेनिस का कॉल देखकर वो डेनिस को कहता है कि ओज़गुर हॉस्पिटल में है। ये सब सुनकर डेनिस जो है अपनी कार ले जाती है ओज़गुर से मिलने के लिए, मगर डेनिस का रोड पर ही एक्सीडेंट हो जाता है और वो दूसरे हॉस्पिटल में मर जाती है। और ओज़गुर के ऑपरेशन के लिए उसे जल्द ही हार्ट चाहिए, तो डेनिस का हार्ट जो है ओज़गुर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और लास्ट में ओज़गुर डेनिस के दिल और यादों के साथ जीता है और ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।